सभी किसान भाइयों का मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदेश। मैं आप सभी किसान भाइयों का नंदी सीड बाई स्टेट में स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं धान के बारे में। अगर आपका धान 40 से 45 दिन का हो गया हो और धान में पीलापन हो, अच्छी ग्रोथ ना कर रहा हो या कलनों की संख्या बहुत कम है, तो किसान भाइयों आपको अपने धान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय अगर आपने धान में सुधार नहीं कर पाया तो आपकी पैदावार में काफ़ी गिरावट होगी, जिससे आपको काफ़ी नुकसान होगा। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहती हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो किसान भाइयों, अगर आपका धान 40 से 45 दिन का हो गया है तो आप उसमें क्या करें? पहली बात तो ये है कि आप अपने खेत में नमी बनाए रखें। ये ज़रूरी नहीं कि उसमें पानी भरा होना चाहिए, लेकिन नमी पर्याप्त मात्रा में होना ज़रूरी है किसान भाइयों। दूसरी बात, आप अगर आपका धान 40 से 45 दिन का हो गया है तो उसमें 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हाईजैम का स्प्रे ज़रूर करवा दें। हाईजैम का स्प्रे करने से क्या होता है, आपके धान की जो पत्तियां होंगी वो चकली होंगी, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में वृद्धि होती है, पौधा आपका स्वस्थ रहेगा एवं दष्ट पुष्ट पौधों का विकास होगा। किसान भाइयों, हाईजैम का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि हाईजैम आपके धान के पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि फसल अनेक जरूरत एक हाईजैम। तो किसान भाइयों, आप अपने धान में हाईजैम का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे आपकी फसल अच्छी होगी और पीलापन भी दूर होगा। तो किसान भाइयों, अपने धान में हाईजैम का इस्तेमाल ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।